लड़ाई बड़ी है, अभी लोकसभा नहीं चल पा रही है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने हमारे दूर भारत से दूर कहीं कोई ऐसी बात कर दी जो भारत को ठेस पहुंचा रही है। हम उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा और जब विधानसभा में उनके मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने समाजवाद की परिभाषा देने का काम किया, और जो परिभाषा हम लोगों ने उनके मुंह से सुनी, जिसने भी सुनी उसने ये महसूस किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान का अपमान कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि कांग्रेस के लोगों ने इंग्लैंड में जाकर के भारत का अपमान किया है तो उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी भाषण वो सुनना चाहिए जो उन्होंने विधानसभा में दिया। जो लोग भी उस भाषण के बारे में जानकारी कर लेंगे वो महसूस करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान का उन्होंने अपमान करने का काम किया। जो लाइनें उन्होंने कहीं सदन में, वो इंग्लैंड की प्रधानमंत्री रही थी, उनकी अंग्रेजी लाइनों को हिंदी में कर करके सुनाए। देश में कभी कभी बवाल हो जाता है इस बात का कि लोग दूसरे के भाषण को अपना भाषण बना देते हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो योगी हैं, संत भी हैं और एक पीठ के बहुत बड़े पीठाधीश्वर भी हैं, वो अंग्रेजी भाषण को हिंदी में बोल रहे हैं केवल समाजवाद को अपमानित करने के लिए। उस पर भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं। अभी कई पत्रकार साथी हम लोगों से कह रहे थे कि आप बंगाल में क्यों आए हैं और आखिर बंगाल में ही क्यों कार्यक्रम आप कर रहे हैं। मैं उन साथियों को कहना चाहता हूं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहते हैं कि नेताजी भी इसी शहर में आते रहे, इसी बंगाल में आते रहे, और जब कभी भी समाजवादी पार्टी का यहां कार्यक्रम हुआ है समाजवादी पार्टी को हमेशा नई ऊर्जा मिली है, और इस बार तो नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, इसलिए हम समाजवादी लोग इस स्थान पर इसलिए आए हैं कि मां दुर्गा का भी हम लोगों को आशीर्वाद मिले और हमें भरोसा है